हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए एनसीईआरटी का जो समरी वाला क्लास है 6 से 12th, ठीक है, कौन सा है? डॉक्टर मनीष रंजन जी, बहुत गलत दिया हुआ है इस बुक में। मतलब गलत दिया हुआ करने का मतलब हो सकता है प्रिंट में गलत है या पता नहीं कहाँ से, लेकिन हाँ गलत छपा हुआ है इसमें। अब किसका गलती से गलती हुआ है ये अलग बात है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन। जस्ट बहुत फटाफट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मेकोंग रिवर, जैसे देखिए यहाँ पे मेकोंग रिवर जो था लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जो है और कंबोडिया में स्टोरी बनाता है, और सौ चैनल सी जो होता है आपका लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट एरिया वाइज रिवर अगर दिखेगा तो अमेजन रिवर है, और एशिया में जो होता है माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है, यांगजी वगैरह रिवर भी यहीं है, अफ्रीका में किलिमंजारो है, नील है, नील रिवर, और नॉर्थ अमेरिका में आपका मैकिन्ले हो गया या मिसिसिपी रिवर होता है। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, और यहाँ देखिए ये साउथ अमेरिका में कानगुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गया आपका। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट में बिगेस्ट कंट्री और दिस डैट, तो आपको बता दिया हम। और यहाँ देखिए कि जो लार्जेस्ट सलाइन हो लेक होगा, सलाइन लेक, तो वो आपका कैस्पियन है, और बैकाल जो है आपका डीपेस्ट है, और लार्जेस्ट लेक जो होता है कैस्पियन है, बता दिया आपको। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बोलेगा तो सुपीरियर आ जाता है, समझे। फिर यहाँ पे आप देखिए मरीना ट्रेंड जो है आपका पैसिफिक में मिलेगा, और मेजर पेनिनसुला में आपको देख लीजिए इंडिया वाला जो है, इंडिया वाला सुंडा में होता है जावा ट्रेंच। एक्चुअली मेजर पेनिनसुला जो होता है यहाँ देखिए, एरिया जो है अराबिया और डिस्ट्रैक्ट लाब्राडोर। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री है, 54 कंट्री है, एशिया में 48 है, यूरोप में 100, यूरोप में 44 कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है, ठीक है, साउथ अमेरिका में और कम है 12 है, और ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री। इस तरह से ये आपका चीज़ें हो सेट वन। यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। मलक्का जो होता है आपका स्टेट इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, आज आपका हो जाएगा चाइना, और बिगेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना इंडिया, अब तो इंडिया पहला नंबर पर हो गया ना एरिया के हिसाब से, देखिए ये चलता है रसिया कनाडा चाइना यूएसए ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंडिया 7वां नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए रेड वाला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे रोम जो होता है सेवन मैंने सिटी ऑफ सेवन हिल्स बोलते हैं, और मैनचेस्टर जापान ओसाका हो जाता है, और थाउजेंड लेक्स जो होता है वो फिनलैंड हो जाएगा, और बेंटोस जो होता है आपका बेंटोस ट्राइब जो होता है एक्चुअली अफ्रीका में, इसको मोस्ट ट्राइब जो है तो ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा, किगरीज जो होता है वो सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है, और कुंड्रोस कुर्द्स जो होता है इराक में देखने को मिलेगा, और मेओरिस जो होता है न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, और रेड इंडियंस जो होता है नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा, और डूरंट लाइन जो होता है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और देखिए एक्चुअली अभी के हिसाब से इंडिया अफगानिस्तान होना चाहिए, ठीक है ना, उस समय जब बना था तो वो उस हिसाब से भी है। मैकमन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच में है, मैगनी नोड जो होता है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ऑर्डर नीचे जो होता है आपका ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। भूटान जो होता है चार स्टेट से बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश फाइव स्टेट से बनाता है, आप देख सकते हैं कौन कौन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में आपका पूछ देता है। उसके बाद आइए, तो एक बार बोल ही देता हूँ मैं ना, भूटान के साथ कौन कौन बनाएगा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, और बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बना देगा। और यहाँ पे देखिए आप हिमाचल प्रदेश जो होता है उसमें बड़ा दाचला और ये चाला वगैरह जो है सिपकीला वगैरह यहाँ पर आपका पास है, दर्रा है वो मिलेगा, और यहाँ पर देखिए भांगर, तो इट कंटेंस जो होता है कलकेरियस यानी कंका वही बोलते हैं डिपॉजिट लोकली नॉन एज कंकर, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए इंडस जो होता है, देखिए ये सब जो है इंडस मानसरोवर से निकलता है, और सतलज मानसरोवर से गंगा गंगोत्री, चलिए ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ब्लू वाला तो चलिए छोड़ देते हैं, रेड वाला ही देखते हैं। ये सब अगर आपको देखना है, अरे यार ये फोकस क्यों नहीं होता यार, तो आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, ये सब याद रखिए। महानदी वगैरह और भी वहाँ पे पढ़ाया हूँ उसमें सब है, महानदी ओंग जोंक हो गया इसका ट्रिब्यूटरी, और यहाँ पे गोदावरी का पेन गंगा, वारदा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, और कृष्णा का भीमा, तुंगभद्रा, ये सब जो है कृष्णा का हो गया ट्रिब्यूटरी। माही जो है आपका सोर्स जो है विंध्या रेंज से निकलता है माही रिवर, और तापी जो निकलता है मुलतई सतपुरा रेंज से, और माताचिला बेटवा पे है, थीन जो होता है रावी पे है, वाकड़ा नंगल जो सतलज पे है, ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट झारखंड टीनीसी यूसे से बना, और रिहान प्रोजेक्ट जो होता है मतलब ये सोनिन मिर्जापुर, गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर, और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट जो होता है कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, फरक्कर प्रोजेक्ट जो होता है गंगा इन वेस्ट बंगाल, इस तरह से होता है। और नॉर्वेस्टर वगैरह जो होता है आसाम वेस्ट बंगाल, रेनफॉल जो होता है आसाम वेस्ट बंगाल होता है, और मैंगो सावर जो होता है मैंगो रैपनिंग का होता है, और कॉफ़ी चेरी ब्लूजम वगैरह कर्नाटका वगैरह में आपको काल बैसाखी वेस्ट बंगाल नॉर्वेस्टर, ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब,
उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में आपका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सेप्ट ये छोड़ के आंध्र अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, अंडमान निकोबार इस समय देखने को मिलता है। रेनफॉल आपका 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। महागोनी, महुआ, बम्बो यहाँ पे एरिया में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रेन वाला बोलेगा तो वेस्टर्न घाट आसाम में मिलेगा। सेमी एरिड बोलेगा तो महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु वाला एरिया मिलेगा, यहाँ पर रेनफॉल इससे कम होता है। यहाँ देखिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस जो होता है मिडिल एंड लोअर गंगा वैली होता है, और सैंडलवुड वगैरह, और ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस जो होता है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा वगैरह, साल वगैरह इसमें आ जाएगा। और ड्राई फॉरेस्ट जो होता है वो राजस्थान वगैरह, और कैक्टस और बाबुल वगैरह हो जाता है, रेगोर या ब्लैक सॉइल बोलते हैं यहाँ। और इसका देखिए कैश क्रॉप जो होता है शुगर केन, पॉपी वगैरह, फाइबर में जो होता है कॉटन, जूट, ये सब आ जाता है। और खरीफ में देखिए आप, खरीफ में जैसे राइस, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब, और रबी में वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्रेन, जैद में वेजिटेबल्स वगैरह हो जाता है। कॉफ़ी वगैरह कर्नाटका, रबर में कर्नाटका हो जाएगा, टी भी असम। चलिए ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग कॉपर वगैरह जो है यहाँ पे मलंजखंड पे मिल जाएगा, बेल्ट जो एमपी में है ये सब स्थान पे मिल जाता है, लाइम स्टोन कहाँ कहाँ मिलता है तो ये देख सकते हैं। बाकी उसमें कवर है, ठीक है, दिल्ली कोलकाता वाला NH 44, देखिए ये सब, चलो इतना नहीं देखेंगे इसमें, ये सब आपको अगर देखना है भाई तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, एक बार देखना है तो देख लो, ठीक है। और यहाँ पे डेक्कन क्वीन पे होने के बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, मुंबई है, लेकिन क्वीन ऑफ अरेबियन सी को चीन को बोलते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, लैंग्वेज ट्रेन रूट जो होता है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाता है, 18 जोन है टोटल रेलवे वाला। यहाँ देखिए मैनचेस्टर ऑफ द साउथ कॉम्बेटोर हो गया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ ये हो गया, सिटी ऑफ लेक श्रीनगर हो गया, सिटी ऑफ वेवर्स जो होता है पानीपत होता है, और क्वीन ऑफ माउंटेन्स जो होता है मसूरी को बोलते हैं, स्टेट ऑफ फाइव फ्लावर्स रिवर्स जो होता है एक्चुअली पंजाब है, बोस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, स्विट्जरलैंड जो होता है ऑफ इंडिया कश्मीर है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, दिल्ली आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है, हरिद्वार और कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद जो है आपका ये एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना के हैं, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं, और जौनपुर लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे हैं, और श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे है, और पटना जो है आपका गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। बाकी ये सब अगर आपको देखना है जैसे सूरत वगैरह, यहाँ देखिए सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और तिरुचिरापल्लम श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली के किनारे है, ऊटी जो है तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फोकस नहीं हो रहा बबुआ, फोकस कर लो बबुआ। नैनीताल मसूरी जो है उत्तराखंड के किनारे है, मनाली जो है आपका हिमाचल प्रदेश किनारे नहीं यार उस स्टेट में से, क्या लोनावला और ये खांडला जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ जो है मुंडास या सूर बिहार में है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। अहमदाबाद वगैरह देखिए कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, अमृतसर वूलन क्लॉथ के लिए जाना जाता है, अम्बाला जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, और यहाँ पे भरतनगर सू के लिए वेस्ट बंगाल में, जैसे ये सब देख लेना है आपको। बुरौनी केमिकल फर्टिलाइजर बिहार में, भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री बिहार में, और ये चितरंजन लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल, और कोचीन है शिप बिल्डिंग के लिए, डालमिया नगर जो होता है सीमेंट के लिए बिहार में है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए ये सब आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए, ठीक है, वही सब चीज़ें। नेपाल नगर जो है न्यूज प्रिंट के लिए जाना जाता है, नरोरा जो है यूपी में, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जी पढ़ लीजिए। रानीगंज कोल माइनिंग के लिए, रेणुकोट अल्मोनियम के लिए है, सहारनपुर जो है सिगरेट फैक्ट्री न्यूज पे न्यूज, और यहाँ पे न्यूज प्रिंट भी होता है, और हरियाणा जो है सीमेंट फैक्ट्री एक्चुअली सूरजपुर हरियाणा में, समझ में आया, वही चीज़ लिखा हुआ। सिगबूम जो है वहाँ पे कॉपर आयरन ये सब मिलता है, कहाँ है सिगबूम, झारखंड में, ठीक है। समस्तीपुर में जूट, पेपर, टोबैको, शुगर ये सब बिहार में है। ये तिरुपति में स्कूटर वगैरह, तंजौर में सिल्क क्लॉथ के लिए है, और देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट मैन मेड जो होता है ये गोविंद वल्लम बंध सागर है, रिहन डैम पे है सोन रिवर। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है आपका यही है गोरोसोपा वाटरफॉल कर्नाटका में है। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेलवे लाइन दिल्ली से कोलकाता, और लार्जेस्ट केव टेम्पल जो है कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र में है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया यमुना है। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है गॉडविन एस्टिन K2 हो गया। लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर जो है उलन लेक है कश्मीर में। और हाईएस्ट डैम जो होता है वाकला नगर पंजाब में है। और लार्जेस्ट माउसिक्यू जो है डिपेंड करता है यार, ऐसे हाईएस्ट लिख दिया है डिपेंड करता है, अर्थ फिलर बोल रहा है या फिर क्या बोल रहा है, ओवरऑल बोलेगा तो फिर टेरी डैम हो जाएगा, समझे, वो 255 मीटर है, समझे। लार्जेस्ट मस्क्यू इसलिए बोल रहे हैं ना कि इसको स्किप करते हैं, रेड वाला जो है वही पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्किप कर देते हैं। ब्लू वाला एक बार हम इसे गो थ्रू करवा देते हैं आपको पढ़ लीजिए, ब्लू वाला स्किप करते हैं। देखें ये ब्लू वाला आई थिंक सो नहीं है इम्पोर्टेंट यार, जो ब्लू वाला यही है इससे भी इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट सलाइन में चिल्का लेक आएगा, सलाइन मोर अगर बोलेगा तो सांभर लेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ब्लू वाला आपको नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं, अब ब्लू वाला मैं नहीं पढ़ूंगा आपको, लेकिन एक बार फोकस ज़रूर करवा दूंगा, फोकस हो नहीं रहा यार, फोकस करवा दे रहा हूँ। दामोदर ये 8 से बनता है, टिनीसी रिवर से आया हुआ है। हीराकुंड वाला जो है वो आपका उड़ीसा में आ जाएगा, ये
देखिए यहाँ पे नागार्जुना प्रोजेक्ट जो कृष्णा पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, हरिहंत डैम वाला जो उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक वाला देख लीजिए, अब चेन्नई उन्नई वाला आ जाता है, थर्मल वाला देख लीजिए। सिंगरौली एक्चुअली यूपी में नहीं, एमपी में, गलती भी बहुत है इसमें, सेंसस ऑफ इंडिया जो है सिक्स रेशियो के हिसाब से देखिए, ये सब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, मतलब हाईएस्ट है लोएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट इंडिकेटर ग्रोथ, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का है, लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का है, ओह ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ देखिए इंडिया का एरिया 2.4% वर्ल्ड के हिसाब है, और हाईएस्ट डेथ रेट जो होता है उड़ीसा में इस, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप दिल्ली वगैरह लॉन्गेस्ट जो है, यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, लोएस्ट एससी जो है आपका नागालैंड में, लोएस्ट एसटी जो है पंजाब में, पंजाब में सबसे कम एसटी है, और सबसे एससी कम कहाँ है तो नागालैंड में, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश बिहार थर्ड नंबर पे है, एरिया वाइज के हिसाब से राजस्थान पहला नंबर पे आ जाता है, बिहार जो है 12वां नंबर पे, यूटी मिला के 13 नंबर पे आता है, और इस तरह से देखिए यूटी में लद्दाख सबसे पहला नंबर पे, फिर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, अरोरा एस्टोलिस अरोरा बोरेलिस ब्लिज़र्ड बोरा ऑफ द एड्रेटिक, यही बोलते हैं बोरा वाला एड्रेटिक से, इटली कोरल वगैरह जो होता है, रॉक फॉर्म्ड होता है, लूनर इक्लिप्स फुल मून होता है, सोलर इक्लिप्स न्यू मून होता है, इकोलॉजी वगैरह स्टडी ऑफ हर जो बोलते हैं स्टोरी, चलिए ऐसा देख लीजिए। फॉर एनिमल लाइफ होता है, फ्लोरा में प्लांट लाइफ होता है, गल्फ में लार्ज डीप बे होना होता है, हैबिटेट नेचुरल इन्वायरमेंट हॉर्स लैटिट्यूड यानी सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ द हाई प्रेशर होता है ये, इस तरह से देखिए आइसोबार जो होता है, लाइन ऑफ द इक्वल डेप्थ इन द सी जो होता है, समझ मारा डेप्थ है, और कैटाबेटिक विंड जो होता है लोकल विंड होता है, और लैग्यून्स वगैरह पार्ट ऑफ द सी होता है, कट ऑफ द सी एंड इस तरह से होता है, और यहाँ पे लूनर मंथ मंथ जो होता है मून में 101 कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड इतना होता है उसी को लूनर मंथ बोलते हैं, पेडोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ सॉयल होता है, और पिडमोंट जो होता है फोटो माउंटेन्स होता है, प्लेट्यू जो होता है एलिवेटेड लैंड होता है, सॉलिड वेपर हो गया सबलिमेशंस में आपका ये सब हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज ऑफ द सॉलिड वाटर फ्रॉम द सॉलिड टू द वेपर डायरेक्टली और वाइस वर्सा, टाइगर जो होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है, रसिया वगैरह में देखने को मिलेगा आपको, साइबेरिया वगैरह में, विली विली जो होता है ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट कोस्ट में वो भी है ये, इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। चलिए थोड़ा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी देख लेते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो होता है 21 मार्च को मनाते हैं, उसके बाद है आपका देखिए अर्थ डे जो होता है आपको कितना मनाते हैं 22 अप्रैल को, और ओजोन वीक है 16 सितंबर को मनाते हैं, एक्चुअली पूरा वीक इतना 23 तक है, बायोटिक मतलब लिविंग हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कुछ है नहीं है, यहाँ पे देखे हैं रन ऑफ कच्छ में गुजरात में, वो वाइल्ड एस के लिए है, गधा के लिए हुए, सिमलीपाल उड़ीसा में है आपका, और डिब्रू से वहाँ आसाम में है, बाकी और भी अगर आपको देखना है तो बिल्कुल फोकस करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ चलिए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका में है, और ये जो है मध्य प्रदेश में आपका मिल जाएगा, कौन सा बुक्सा जो वेस्ट बंगाल में याद रखना है, और बांधवगढ़ जो है या कान्हा मध्य प्रदेश में याद रखना, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो गया, ये सब देख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंदिरा इंडियन वाइल्ड लाइफ हो गया, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और यहाँ जल्दबा वेस्ट बंगाल में है, केबलम जाओ मणिपुर में है, कान्हा वाला मध्य प्रदेश में, ठीक है, सरिस्का वगैरह राजस्थान में हो जाएगा, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में आ जाएगा, इस तरह से ये आपका ख़त्म होता है। और गटरा पर देखिए अगर इसको आपको देखना है तो बिल्कुल देखिए, मतलब ये ज़रूरी भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गटरा पर ये कहाँ है कर्नाटका में, पुलिकेट वाला भी तमिलनाडु में है, बाकी और भी देखना है अगर तो आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है, और यहाँ देखिए पन्हा पेंच वाला जो है मध्य प्रदेश में है, बाकी और देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए सतपुरा पन्ना और पेंच ये मध्य प्रदेश में, और पेंच वाला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। और कोलोरो वाला आंध्र प्रदेश में, लोकतक वाला मणिपुर में है, इस तरह से ये ख़त्म होता है। एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेरगढ़ जो है बनाया था, ठीक है ना, पुराना किला हुआ, शेर वंडर जो है लाइब्रेरी, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा, यहाँ फिर बार बार बोलूँगा लंबा होगा। जैसे शेरगढ़ जो है ना वो बनाया था कौन, शेरशाह सूरी, और पुराना किला हुआ और शेर वंडर जो था लाइब्रेरी था, ठीक है, अगेंस्ट कलिंजर और निजाम और बैराम खान वगैरह ये सब चला था, ये सब आपको हम बताए हुए हैं, तो आई थिंक सो आप जाके देखिएगा मुगल वाला जो पढ़ा है ना, सारा एकदम डिटेलिंग इसमें से भी निकाल दिए हैं, सब जगह से निकाल के रख दिया हूँ, एकदम खोल के रख दिया हूँ, वहाँ जाके देखिएगा। यहाँ एक बार ऐसे हम गो थ्रू ऐसे करवा दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सब खुला हुआ है, एकदम खोल के रख दिया हूँ, यहाँ इसी चीज़ को बोलूँगा लंबा होगा सब। औरंगजेब जो है मोती मस्जिद बनाया था दिल्ली में, और ठीक है इस तरह से ये कम्प्लीट होता है आपका। इन मॉडर्न में आ जाइए, मॉडर्न में ये सब कुछ कोई खास नहीं है, वहाँ मॉडर्न पूरा खोल दिया हूँ,
तो यहाँ आपको कुछ नया नया नहीं मिलेगा, जैकोबिन वाला जो है टिपू लाया था कल तक वगैरह ये सब देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई ख़ास नहीं है इसमें, बाकी ऐसे आपको कहीं पे ऐसे दिख जाता है कुछ ख़ास तो आप देख लो। और सजा सब उड़ जाना इस तरह से वो बनता है, और अभी आपको बताए हुए हैं। बाकी यहाँ पे अरविंदो घोष वगैरह, अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट था समझे, अरविंदो घोष कौन सा एक्सट्रीमिस्ट था, गोखले का जो गुरु था एम जी रनाडे थे, और गांधी का गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। मूव इंडिया फाइट जो है अराउंड टू ब्रिटिश डेट इज ठीक है। और यहाँ अरविंदो घोष जो था वो क्या था, पांडिचेरी भागा एक्चुअली, ठीक है। और ये लॉर्ड मिंटो दिस डैट, आपको देखना है तो देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये वाला भी कंप्लीट होता है। मेन वाला मुद्दा पे हम लोग रहेंगे, बहुजन समाज जो था वो एक्चुअली मुकुंद पाटिल जो था ये था ना महाराष्ट्र में। दिस डैट देख लो आप, और यहाँ पे देख लो आप अरविंदो घोष जो था कर्मयोगी, ये लिखा है बुक है, कौन बुक किसका लिखा हुआ है तो ये देख लो, अरविंदो घोष कर्मयोगी लिखा है, याद रखना आपको। और यहाँ पर कुछ है ऐसा, ये ट्राइब देख लो आप एक बार, यहाँ पे देखो ट्राइब, ये खोन ट्राइब जो है उड़ीसा में आपको है, ठीक है। और मणिपुर में कुकीज़ मणिपुर में है, और नाइकाडास ये जो है नाइकाडास गुजरात में है, ठीक है ना। हो वगैरह तो आपका छोटा नागपुर में था, कोली वगैरह कहाँ था बताइए, सह्याद्री वाला एरिया में है कोली, महाराष्ट्र वाला में है कहाँ बताइए। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है यार। और आगे बढ़ते हैं, विलियम बेंटिंक वगैरह जो है एवोल्यूशन ऑफ सती किया था, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया लाया, सेवन कमीशन वगैरह, और इस तरह से यही है, देख लीजिए आपको देखना है तो, फोकस भी नहीं हो रहा क्या देखिएगा यार आप। वेंसी टाट वगैरह दिस डैट, और ये सब कवर किया हुआ है, घटना चक्र कवर कर लिया, मतलब सब कवर कर लिया। बैटल ऑफ खाद ये जो है खारदा वाला निजाम और मराठा के बीच होता है, बाकी बीच बीच में से कहीं से ऐसे दिख जाता है ना आपको कि इम्पोर्टेंट है तो वो देख लो, नहीं है कुछ। चलिए आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। देखिए आर्ट एंड कल्चर तो इससे मैं नहीं किया हूँ तो फिर भी ठीक है, ये सब जैनिज्म का थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिए। जैनिज्म में आपका जो है ना द मेन डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म आर तो अनकिंतवाद वाला चला, सयादवाद वाला, नयावाद वाला ये सब, और ये द टू सेक्ट ऑफ जैनिज्म जो है ये तो जानते ही हैं आप लोग, और ये पूर्वा और ये आगम्स और अंगा उपांग ये सब जैनिज्म का, बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं इसमें। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको छोड़िए कवर किया होगा, और यहाँ से थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाइए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जब पहला वाला वार हुआ था ना, तो पहला वाला वार में कौन कौन था, सेंट्रल पावर बोलें जिसको मैं जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी तुर्की बुल्गारिया ये सब एक साइड था, और इंग्लैंड फ्रांस सर्बिया बेल्जियम जापान रसिया एक साइड था, इसको अलाइड पावर बोले थे और यही जीता था। और ट्रीटी ऑफ वर्सायली हुआ था जून में 1919 में, जिसमें क्या हुआ एलाई वाला जो एलाई और जर्मनी के बीच में हुआ था, और इस तरह से हुआ आपका। और फिर यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो हुआ ना सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये 39 से 45 तक चला, और इसमें वही हुआ, इसमें भी इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कॉज था कि जर्मनी जो था रिफ्यूजल ऑफ द पोलैंड टू सरेंडर, तो जर्मनी क्या किया इमीडिएट कर दिया पोलैंड पे। तो हुआ क्या एक्चुअली, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो था एज दे वेयर अंडर द ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, तो वो साथ में मिलकर लड़ा फिर, तो जर्मनी इटली जापान इसको बोला गया है एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर, और ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस यूएसएसआर यूएसए चाइना ये सब एक साथ मिला एलाइड पावर बोला गया, फिर यही जीता ठीक है। जर्मनी जो था हैड टू फेस द डिफीट वंस अगेन, तो फिर से जर्मनी इसमें आ रहा। और ओपियम बार जो होता है वो चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुआ, देख लीजिए डेट 39 के आसपास, और बोर बार जो है 99 के आसपास हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका के बीच में लड़ा गया था और ब्रिटिश के बीच में, और जर्मनी जो था विद ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ये सब के साथ था अगेंस्ट लड़ा था वर्ल्ड वार वन में, किसके ब्रिटेन किसके अगेंस्ट लड़ा था, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट, जर्मनी किसके अगेंस्ट लड़ा ब्रिटेन के अगेंस्ट, जिसमें इसमें इसके साथ ब्रिटेन के साथ साथ कौन कौन था, रसिया था फ्रांस था जापान था कनाडा बेल्जियम। और वर्ल्ड वार टू जब हुआ तो उसमें भी वही हुआ, एक्सिस पावर जो था जर्मनी इटली और जापान मिलकर लड़ा किसके एलाइज के पावर के साथ, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन यूएसए यूएसएसआर चाइना ये सब था ठीक है। और एडोल्फ हिटलर का टाइटल दिया गया था फ्यूहरर और करके, और अमेरिकन वार रिवॉल्यूशन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, रशिया रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, फ्रांस रिवॉल्यूशन 1789 में, चाइनीज रिवॉल्यूशन 1911 में हुआ। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पे लोक अदालत, फर्स्ट लोक अदालत जो था गुजरात में 1982 में, अच्छा। और लोकपाल जो है ना आपका वो डील्स करता है कंप्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर वगैरह, और यहाँ पे कंसल्ट करता है एक्चुअली, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लोकपाल वगैरह को, और कंसल्ट करके करता है सीजीआई के साथ, स्पीकर जो होता है लोकसभा का उसके साथ, चेयरमैन राज्यसभा का जो होता है उसके साथ ठीक है। उसके बाद आगे चलिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम लोकपाल जो था मई 1968 में इंदिरा गांधी सर लोकायुक्त महाराष्ट्र में फर्स्ट, और यहाँ पे आपका हो गया इंटर स्टेट काउंसिल्स में आर्टिकल 263 के थ्रू तीन बार परियर रहता है, पी एम सी एम रहता है, और कैबिनेट मिनिस्टर यूटी वगैरह, और फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है चेयरमैन, और चार अदर मेंबर रहते हैं इसमें।
और टैक्सेस बिटवीन द सेंट्रल स्टेट देखता है, और ये ग्रांट इन एड द कंसोलिडेटेड फंड से इसको मिलता है। उसके बाद देखिए, चलिए आप फिजिक्स देख लेते हैं। इसमें देखिए आप इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेवर हो जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम वगैरह हो जाएगा, और ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस का क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेन मतलब यूनिट लेस होता है, और एनी थिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखिए आई का रेटिना इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। और प्लेन मिरर जो होता है वर्चुअल बनाता है, प्लेन मिरर, और इरेक्ट बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, इस तरह से देखेगा 3900, ये इतना रहता है जो लाइट का जोर देखते हैं ना, तो इतना यंग स्टम के बीच में रहता है उसका वेवलेंथ। और प्लेन मिरर जो होता है वही है इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, तो यही चीज़ को हम ऊपर में लिख दिए हैं, तो आपको वहाँ पे सॉर्टेड हो गया होगा। अब यहाँ देखिए इमेज जो बनाया ये दिस डैट कॉन्वेक्स वगैरह, ठीक है। वन बाई वी बराबर वन बाई वी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, तो हम लोग रेड वाला देखेंगे, ठीक है। बाकी ये आपको देखना तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कनकेव मिरर में हमें, तो ये जब यहाँ पे पोल, ये फोकस और पोल के बीच में रहेगा ना, तो वर्चुअल इरेक्ट बना देगा। इस तरह से ये चीज़ें हो गया, स्नेल का ला हो गया, और यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हो गया, या टिंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, या ओवल शेप ऑफ सन हो गया, ठीक है ना। बेंडिंग ऑफ द लिनियर ऑफ द ट्रेंड अपीयर सैलो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, सन अपीयर एबव हॉरिजन दिस डैट, 4 मिनट का दिस डैट होता है। और लाइट जो होता है ना, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वेव जोर यहाँ पे यही है 3900 स्टम होता है, 7800 है म्यू यहाँ पे हाई होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, मिराज हो गया, लूमिंग हो गया, डायमंड स्पार्क हो गया, एयर बबल साइन करेगा, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इंडोस्कोपी हो गया, ये सब चीज़ें हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस जो होता है पावर पॉजिटिव हो जाता है इसका, और यहाँ पे ठीक है यही सब है। डायमेंशन जो होता है प्रिज्म का, डिस्पर्सन होता है एक्चुअली प्रिज्म में, और वेलोसिटी जो होता है 1/μ के अपोजिट होता है, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है म्यू का, 1/μ का अपोजिट नहीं होता है, मतलब इन्वर्स नहीं होता है, म्यू का इन्वर्स होता है, तो 1/μ हुआ, समझे। रेनबो जो होता है डिस्पर्सन देखने को मिलेगा इसमें, प्राइमरी रेनबो जो होता है 2 रिफ्लेक्शन और 1 टोटल रिफ्लेक्शन होता है, ये याद रखना पड़ता है कि प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए सेकेंडरी कलर का कुछ इस तरह से बनता है, मिक्स करके भी बनता है, येलो मैग्नेटस है। प्राइमरी कलर में तो यही होता है ना, ब्लू ग्रीन रेड होता है, ये प्राइमरी कलर होता है, BGB RGB जो बोलते हैं RGB, और ये इसे मिलके मिक्स करोगे तो ऑल साइन, ये तो ये वाला याद रखना है आपको, रेड सियान ग्रीन ब्लू मैग्नेटा वाइट, तो इससे क्या क्या मिलके बनता है, क्योंकि छोटा छोटा एग्जाम में यही सब पूछ देता है, ये सब हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए मायोपिया जो होता है, नियर साइडनेस होता है, नज़दीक का दिखेगा आपको। कनकेव लेंस का यूज होता है, इंक्रीज कर जाता है इसमें ना आई का बॉल, तो डिक्रीज इन द फोकल लेंथ हो जाता है आई लेंस, समझे। प्रेस मायोपिया में क्या होता है, एल्डरली पर्सन को होता है, इसमें स्टिफनिंग ऑफ द सिलरी मसल हो जाता है, डिस्टेंस एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों नहीं दिखता, तो ये आपका इसमें हो गया आपका। और बायोफोकल इसके लिए सही करने के लिए प्रेस बायोपिया के लिए इस्तेमाल में आता है। एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होता है, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया में दिक्कत आ जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें हो गया आपका, और ठीक है, तो ये याद रखना आपको। प्रेस बायोपिया में बायोफोकल यूज करते हैं, एस्टिगमेटिज्म में सिलिंड्रिकल यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेस बायोपिया में क्या हो जाता है भाई, तुमको नज़दीक और दूर दोनों का नहीं दिखेगा, और इसमें यहाँ पे 1 kWh जो होता है ना, 3.6 × 10⁶ जूल होता है, और ठीक है, तो इस तरह से ये सॉर्टेड हो गया आपका। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1 kWh जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल हो जाता है 1 kWh में। देखिए जस्ट अबिट मिनट, यहाँ पे देखिए 1 kWh जो होता है, 1 kWh यहाँ पे नहीं फोकस हो रहा ना, यहाँ देखिए 1 kWh जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो टेस्ला होता है या वेबर बोलते हैं या न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जितना भी हो, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट वगैरह हो गया, एक्सरे वगैरह में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है ये, ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ एक्सरे जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। और एटम बम जो होता है इसमें फ्यूजन होता है एक्चुअली, और 6 अगस्त को ये 1945 में हिरोशिमा पे गिराया गया था, और 9 अगस्त को यहाँ पे नागासाकी पे गिराया गया था। मॉडरेटर जो होता है DTO ग्रेफाइट हो गया, कंट्रोल करने के लिए रॉड के कैडमियम में बोरॉन हो जाता है। कूलेंट वगैरह जो होता है वाटर, हैवी वाटर, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम वगैरह कूलेंट की तरह इस्तेमाल में आ जाता है। रेजिस्टिविटी के लिए 1/कंडक्टिविटी हो जाती है। और यहाँ देखिए आप प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है प्लस इम्प्योरिटी जो होता है डोपिंग के लिए हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर जो होता है टेम्परेचर जो होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाइएगा ना तो कंडक्टिविटी बढ़ता है।
एटम जो होता है नील्स बोर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है मोस्टली दिया है, एटॉमिक थ्योरी डाल्टन दिया है, ठीक है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एवोगाड्रो दिया है, और सिनेमा के लिए ये क्लोरोफॉर्म के लिए जेम्स हैरिसन एंड जेम्स यंगसन हो गया, क्लोराबेसिलस रॉबर्ट कोच दिया था, कैमरा वगैरह सीमेंट वगैरह क्लॉक वगैरह के लिए देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के लिए, ये हो गया कॉपरनिकस स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, आर्किमिडीज डायनामाइट जो अल्फ्रेड बी नोबेल दिया, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये मैक्सवेल दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी भी मैक्सवेल दिया, इलेक्ट्रॉन थियरी बोर्स दिया है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए एक मेन पॉइंट है, लॉ ऑफ मोशन न्यूटन दिया है, और लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन दिया है, लॉ ऑफ हेरिडिटी मेंडल दिया है, इनहेरिटेंस वाला भी मेंडल दिया है। फिर यहाँ देखिए मेंडलीफ का एटॉमिक मास था एक्चुअली, और मोस्ले का नंबर था, और न्यूट्रॉन चैडविक के थ्रू, और यहाँ देखिए पेंसिलिन जो था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पीरियडिक ला जाता है मेंडलीफ, और रेबिज वैक्सीन के लिए लुइस पैच्योर हो जाएगा, और रेडियो जी मार्कोनी हो जाता है, और दिस डेट, और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेम्स वाटसन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम रदरफोर्ड वगैरह हो गया, और थियरी ऑफ द एटम जो होता है आपका जॉन डाल्टन, थर्मोडायनेमिक्स बोल्ट्ज़मैन के थ्रू, और वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनिफर, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। गैलियम और मर्करी जो होता है लिक्विड है, और गैलियम सीजियम लिक्विड होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में देखिए आप लेवर्जिया जो था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है इसको, और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे आपका मरकरी हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है, ये मेटल है, इन मेटल है ब्रोमीन, अर्थ क्रश में आपको ओसिया अल्फी नाका इस तरह से मिलता है, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस तरह से मिलता है, और फ्लोरेंस ट्यूब में आपको हीलियम वगैरह देखने को मिलेगा, और मेटल्स में मरकरी जो है लिक्विड होता है, और रूम टेम्परेचर पर हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यहाँ पर देखिए मेटलॉइड का क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड मेटल जो दोनों रखता है, और यहाँ देखिए ऑस्मोसिस जो होता है उसमें क्या होता है सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द साल्ट सॉल्यूशंस वगैरह, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होती है हायर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाएगी तो वो रिवर्स हो जाती है, और ट्रू में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, और ट्रू सॉल्यूशंस में 10^-7 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और सॉल्यूट का पार्टिकल इतना से इतना के बीच होता है, स्कैटर लाइट करेगा, टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड लिक्विड वाला सोल होता है, और क्या क्या होता है मडी वाटर वगैरह इमुलजेंस जो लिक्विड लिक्विड में होगा, और लिक्विड में अगर गैस घुसा दिए तो फॉर्म हो गया, तो मिल्क हेयर क्रीम ये सब इमुलजन होता है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड में होता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है जेड हो गया, और ये मिल गया तो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए मोल्स जो होता है 18 ग्राम मोलिकुलर मास हो जाता है, और एसटीपी जो होता है 22.4 लीटर होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह जे थॉमसन को नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के थ्रू एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये प्रोटॉन के लिए गोल्ड स्टीन था, और अदर कोड वॉज नेम बाय द रदरफोर्ड, एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक जो था रेडियो एक्टिविटी फिनोमिनन था, और प्रोटॉन जो था 1.6 × 10^19 कूलम हो जाएगा आपका, और 9.1 × 10^31 केजी जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास होता है, न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलता है, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियस में दोनों मिलता है, और सी 12 इस तरह से ये चीज़ आप देख सकते हैं। आइसोटोन जो होता है आपको आइसोटोप इसका दिया हुआ, ठीक है, आइसोटोन में क्या होता है सेम नंबर न्यूट्रॉन जगह, थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम में क्या होता है रेडियस जो था 10^-8 सेंटीमीटर, दिस डेट कैथोड का रे जो होता है जैसे थॉमसन कैथोड और टुवर्ड्स द एनोड की तरफ गया, एनोड रे जो होता है बाई गोल्ड स्टीन पॉजिटिव रे, और हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, और अकॉर्डिंग टू डी बोरजियन ऑल पार्टिकल हैव द वेव नेचर होता है, और अदर फोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग होता है इसमें, और इंटायर मास जो होता है एटम का कंसेंट्रेट होता है यूनिट सेंटर में, और एवर प्रोसेस जो होता है अमोनिया NH3 और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इन लेबोरेटरी यूरिया होता है, और नील का बोर मॉडल हो गया यहाँ पे, नॉट फ्रीली स्पायरल होता है इनवर्ड और आउटवर्ड इन इंटरमीडिएट स्टेट में, और प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी होता है एमिट और ऑब्जर्व एनर्जी डिस्क्रीट पॉकेट इवर एच नू पोजिशन एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है जैसे क्वांटम में नंबर्स में NLMS इस तरह से जाता है ना, सेल्स वगैरह सब सेल्स और वाइटल वगैरह, ठीक है ये सब चलिए आप देख लीजिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, अल्फा वाला हीलियम ये जो होता है -1 0 रहेगा, गामा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है, और कूलेंट में आपका लिक्विड सोडियम भी इस्तेमाल होता है, रॉड में बोरॉन और कैडमियम वगैरह मॉडरेटर के लिए ग्रेफाइट और DTO का इस्तेमाल कर लेते हैं, रेडियो स्टॉप अनस्टेबल होता है इमिट करता है रेडिएशन, मेडिसिन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और यूज ऑफ द रेडियो स्टॉप जैसे आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है थायराइड ग्लैंड को सही करने के लिए, और ठीक है कोबाल्ट 60 का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, फास्फोरस 32 जो होता है लिक्यूमिया इन थेरेपी में, और कार्बन 14 जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है ये जब तक कार्बन बियरिंग वुड वगैरह ये सब के लिए, यूरेनियम डेटिंग जो होता है एज अर्थ रॉक ये सब एज निकालने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है, आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ देखिए वेजिटेबल ऑयल के लिए घी वगैरह और निकल का हाइड्रोजनेशन में इसका इस्तेमाल होता है, कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज इन द फ्रुक्टोज करना है तो इन्वर्टेज बोलते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है, बाकी और भी जो है छोटा छोटा ये आप देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए सैट्रिक एसिड वगैरह, लेमन और द ऑरेंजेज वगैरह, टार्टेरिक एसिड या एसिटिक एसिड में विनीगर होता है, टार्टेरिक में ग्रेप होता है, सैट्रिक में लेमन ऑरेंज में पाया जाता है, ऑक्जेलिक जो होता है टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका यूज होता है प्योरीफिकेशन करने के लिए, गोल्ड वगैरह के लिए, और ऑक्जेलिक एसिड का रिमूव करता है रश स्पॉट को, यूरिक एसिड जो होता है यूरिन ऑफ मैमल्स में आपको देखने को मिल जाएगा, और कार्बोनिक एसिड जो होता है आपका सॉफ्ट ड्रिंक में मिलता है, टार्टेरिक एसिड ग्रेप में मिलता है, बोरिक एसिड जो होता है आईवास में होता है, लैक्टिक एसिड तो इसका पीएच का वैल्यू भी दिया है, वाशिंग सोडा N2CO3 × 10H2 होता है, ये क्या किस चीज़ के लिए होता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर होता है। इस तरह से ये आपका होगा बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3 होता है, सॉफ्ट एंड स्पंगी, यूज टू मेक द ब्रेड और द केक सॉफ्ट एंड स्पंगी, माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन इन्फेक्शंस के लिए, और ब्लीचिंग ऑफ द पाउडर जो होता है CoCl2 डिसइन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर होता है, और जिप्सम जो होता है CSO4 × 2H2O होता है, ये आपको देखने पड़ेगा, ये जिप्सम हो जाता है, ठीक है ना, प्लस ऑफ इसमें हाफ एच टू हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लूबिट्रोल CSO4 × 5H2O, लैम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्यू क्लाइम बोलते हैं इसी को, CaO जो होता है, और मैनुफैक्चर ऑफ द ग्लास सीमेंट वगैरह में पोटासियम नाइट्रेट जो होता है आपका मैजेस्टिक पर आता है, फॉर्मिक एसिड आंट के डंक पे मिलेगा, बॉयल सला जब लगता है तो यहाँ पे पी इनवर्सल प्रपोजल हो जाता है बी के, और चार सला में बी डायरेक्टली प्रपोजल होता है, ठीक है, और गायलोजिक वाला में पी कॉन्स्टेंट होता है, अदर वाला जो चीज़ नहीं दिया वो कॉन्स्टेंट रखा होता है, टेम्परेचर के इनवर्सल प्रपोजल हो जाएगा प्रेशर का, एपिकॉटो जो काला हो गया यहाँ पे पी और इन आरटी लगा के निपटा दीजिए, उसके बाद इस तरह से ये आपका सॉर्टेड हो गया। वहाँ पे फिर देखिए LPG में ब्यूटेन होता है खूब, CNG में मेथेन होता है खूब, टेफ्लॉन जो होता है पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बना होता है, रबर जो होता है आइसोप्रीन हो गया, सिंथेटिक वाला नियोप्रीन का बना होता है, ये नेचुरल रबर होता है आइसोप्रीन, ठीक है, वल्कनाइजेशन में नेचुरल रबर होता है एक्चुअली, उसमें सल्फर मिला दीजिएगा ना, तो इस तरह से वल्कनाइजेशन होता है सल्फर मिलाने से, ये दोनों का भी होता है, नेचुरल रबर में जो होता है एलास्टोमर पॉलीमर डिसडाइट देखते रहिए आप आराम से। अब यहाँ देखिए बेकेलाइड में आपका ये होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिंस, और थर्मोप्लास्टिक में आपका एग्जांपल है पॉलीथीन और टेफ्लॉन, और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है कांट बी रीयूज्ड, बेकेलाइड और ग्लैप्टाइल इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, बेकेलाइड बना होता है इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेथेन वगैरह जो होता है आपका यहाँ पे प्रिंटर इंक की तरह इस्तेमाल होता है, यूज टू मैन्युफैक्चर प्रिंटर इंक, और एथिलीन जो होता है वो रैपिंग ऑफ फ्लूइड में यूज होता है, एसिटिलीन जो होता है बिल्डिंग वगैरह करने के लिए मेटल का इस्तेमाल होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है एनेस्थेसिया के लिए यूज होता है, पॉइजनस फॉस्जीन है ये CoCl2 बोलते हैं, और ग्लिसरीन जो होता है ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है फ्रूट एंड जूस में, एसिटिक एसिड जो होता है विनीगर वगैरह में, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है प्रिंटिंग ऑफ द क्लॉथ में यूज होता है, और सोडियम बेंजोएट जो होता है फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, और टॉलिन वगैरह जो होता है वो एक्सप्लोसिव TNT में यूज होता है, फेनॉल वगैरह जो होता है 2-4-6 ट्राइनेट्रोफेनॉल बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसी को, और हीट प्रोड्यूस्ड जो होता है बाई फ्यूल इज मेजर्ड बाय द कैलोरी होता है, और हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर इसका हो जाता है, फ्लेम वगैरह जो होता है हॉट पार्ट ऑफ द फायर इस तरह का, पावर एल्कोहल एल्कोहल प्लस पेट्रोल हो जाता है इसमें, इनर मोस्ट रीजन्स होता है मिडिल रीजन में लो हो जाएगा, इस तरह से फ्लेम का वो होता है ना आप देखे होंगे, सेफ्टी मैच स्टिक पे आपका ये सब रहता है, एंटीमनी होता है, ट्राइसल्फेट पोटासियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस वगैरह जो होता है ये होता है, और यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस जो होता है CO+N2 होता है, और यहाँ पे इस तरह से होता है बिटुमिनस मोस्ट कॉमनली वैरायटी होता है, एंथ्रासाइट में इतना परसेंट होता है, लैम ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक जो होता है प्रिंटर इंक द कार्बन पेपर, और पेट्रोलियम वगैरह में आप देखिएगा ना पेट्रोलियम जैसे रॉक ऑयल मिनरल ऑयल ये सब से क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड LPG ब्यूटेन एक्चुअली ये सब आई थिंक जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही है, बाकी रेड से पॉइंट होगा, मैं ज़्यादा ही कुछ बता रहा हूँ, इतना नहीं बताना है हमको, ठीक है। हेमेटाइट Fe2O3 होता है, कॉपर ग्लास CO2S होता है, गैलेना PbS होता है, सिनावर HgS होता है, सल्फेटर KNO3 होता है, ठीक है, बाकी आपको देखना तो देख लो, ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो आप HCl का इतना बनाता है मैग्नीशियम का दिस डाइट, और ये जो रेशियो होता है ना वो HClHNO3 का 3 इसमें होता है 1 इसमें होता है, बाकी आप देख लो, हम थोड़ा आराम से इसको वो कर दे रहे हैं, बाकी अगर देखना है तो देख लो आप, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इंपॉर्टेंट वाला यहाँ मालूम है। जिंक फास्फेट जो होता है किलिंग राइट के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ देखिए गार्लिक वगैरह ऑनियन जो होता है उसमें पोटासियम की वजह से महक आता है, और फायरवर्क जो होता है एस्ट्रॉन्सियम जो होता है वो रेड कलर का देता है, फायरवर्क में इस्तेमाल होता है, रेड कलर जलेगा ना तो रेड कलर देगा एस्ट्रॉन्सियम जलेगा तो, और AgNO3 जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, और यहाँ पर देखिए ये आयरन पैराइड जो होता है FeS2 बोलते हैं, मूर्खों का सोना ये, और कॉपर सिल्वर जो होता है वो किस में मिलता है प्योर गोल्ड में बनाते हैं ना, तो इसको मिलाते हैं हम लोग, और कॉपर को सिल्वर को ऑक्सीजन जो होता है वो 3 इज द एलोट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली अमोनिया, और हाबर्स का प्रोसेस है अमोनिया को दिस डाइट, और ठीक है इस तरह से आगे चलिए। फास्फोरस जो होता है कैच फायर, तो इसलिए इसको हम लोग वाटर में रखते हैं फास्फोरस को, और यूरिया जो होता है ना फर्स्ट ऑर्गेनिक जो है जो सेंसिस किया था लाइब्रेरी में बनाया गया था, और यहाँ पर इस तरह से ये हो गया क्लासिक स्मॉग वगैरह गैसेज ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, और यहाँ पे देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड का रहता है,
इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए एंटीसेप्टिक जो होता है प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किलिंग देम बट आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू, फॉर एग्जांपल डिटॉल एंड द सेलवन वगैरह एंटीजन जो से उससे बनता है एंटीबॉडी और पेस्टिसाइड जो होता है आर यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिजम्स डेट हार्म टू क्रॉप। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ केमिस्ट्री भी। अब चलिए बायोलॉजी में आते हैं। तो टर्म बायोलॉजी जो लैमार्क के थ्रू और लैमार्क और ट्रेवेनियस के थ्रू दिया गया था। उसके बाद यहाँ देखिए कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपका, यूगलिना जो होता है बहुत हेटरोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है, और फंगी वगैरह जो होता है वो उसमें आपका एग्जांपल मशरूम हो गया, म्यूकर हो गया, एल्बोगो, ये सब इसी का एग्जांपल हो गया। बाकी आप देखिए जो इम्पोर्टेंट रेड वाला है उसी को टच करेंगे, ठीक है, बाकी मैं नहीं टच करने वाला हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। जेनेटिक वगैरह देखिए यहाँ पे जॉन मेंडल के थ्रू देने दिया गया, बाकी आपको देखना है तो बिल्कुल देख सकते हैं, देख भी नहीं पाइएगा। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो रेड एंड ग्रीन में कलर में दिक्कत होता है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, डिसऑर्डर आ जाता है इसमें, नहीं पहचान पाता है। और ये डार्विनिज्म जो होता है ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया बाय नेचुरल सिलेक्शन होता है। म्यूटेशन थियोरी जो होता है होगडी ब्रिज दिया। अब आइए बॉटनी में यहाँ देखिए ब्रायोफाइटा जो होता है ये लैक ऑफ द जैलम ऑफ फेलम इसमें नहीं होता है, और द मॉस नेमली जो इसका नाम है मॉस में स्पाइगनम, ठीक है, 18 टाइम्स ऑफ द ह्यूमन वेट का होता है ये, और यह हो गया। अब जिम्नोस्पर्म बाहर सीड होता है इसका, और जैसे कुछ एग्जांपल देखिए जैसे मॉलिस प्लांट जो होता है इसमें जेमिया फेगमीटा होता है, और ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्टिलाइज एक जो होता है उसको जायगोट बोल देते हैं कि फर्टिलाइज, अब वो एक हो चुका है फर्टिलाइज तो क्या कहलाएगा, जायगोट कहलाएगा। बाकी आपको देखना है तो देख सकते हैं टाइप रूट दिस दैट। और उसके बाद जियोलॉजी है, यहाँ देखिए एम्फीबियंस वगैरह ये दिया हुआ, कौन आता है एम्फीबियंस में, फ्रॉग वगैरह, रिप्टाइल आता है, स्नेक वगैरह इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं ए ओ इस तरह से, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियर सेटनेस तो मायोपिया हो गया, कनकेबुलेंस लगा लो, ठीक है, एस्टिमिगिडिज्म हो गया या प्रेस बायोपिया, ये क्या हो जाता है, ये कंजक्टिविटिस होता है इसी को बोलते हैं। बाकी ये देख लीजिए विटामिन ए वगैरह, विटामिन ए जो होता है ये रिटेनॉल हो गया, नेट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी वन थायमिन वगैरह हो गया, इसका सोर्स ऑरेंज में भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। और देखिए यहाँ पे बी वन जो होता है थायमिन हो गया, बेरी हो जाएगा, विटामिन बी टू रेबोफिलमिन होता है, और बी सिक्स वगैरह जो होता है एनेमिया हो जाता है इसे कमी से, बी ग्यारह एक्चुअली होता है फॉलिक एसिड वाला, और बी बारह में साइनोकोबलिन होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं, और ठीक है इस तरह से हो जाता है। डी के इस सबको स्टोर के लिए बता रहे हैं, डी के स्टोर होता है किसमें, फाइट में स्टोर होता है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देखिए आप इसके डिफिशियंसी से क्या होगा, विटामिन ए जो होता है इसके डिजीज जो होता है उसका नाम है क्या, जेरोपैथेलमिया या डर्मेटोसिस बोलते हैं। बी वन के वजह से बेरी हो जाता है, और विटामिन बी टू रिबोफ्लाविन की वजह से ये हो जाएगा, और बी थ्री की वजह से क्या हो जाता है इसका नियासिन भी बोलते हैं, मतलब टेक्निकल नेम है, और पेलेग्रा हो जाता है, और विटामिन बी सेवन बायोटीन जो है बी नाइन फॉलिक एसिड नहीं है यार, बी बारह कोबाल्ट है, सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, डी का नाम है क्या, इसके रिकेट्स होता है, इससे एस्कॉर्बी हो जाता है, टोकोफ्रॉल इसे होता है, इसका कैल्सिफ्रॉल बोलते हैं, ठीक है, ये का टोकोफ्रॉल हो जाता है। विटामिन के का फेलोक्विनोइन हो जाता है, पोटासियम की कमी से क्या हो जाएगा आपको, हाइपोक्लाइमिया हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है राइजिंग हार्ट रेट हो जाएगा, किडनी डैमेज होने लगता है, पोटासियम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सोडियम की कमी से क्या हो जाएगा, हाइपोनाटाटेमिया हो जाता है, जिसमें लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस तरह से अब कंप्लीट होता है। वायरस में देख लीजिए कौन कौन होता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसलेसिस, मम्स, ठीक है, हरेविज, डेंगू, हर्पीज, एड्स, ये सब। बैक्टीरिया से सोर थ्रोट, डिप्थीरिया, निमोनिया, ड्यूपरकुलोसिस, ठीक है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं ये पूरा होता है, बेसिलरी, बुफिंग वगैरह, प्लेग वगैरह, टिटनस, टाइफाइड, कोलेरा, और प्रोटोजोआ से होने वाला मलेरिया वगैरह, काला जार, डायरिया हो गया, फंगी से रिंग बॉम ये सब हो जाता है, और वर्म्स जो होता है ये सब, फाइलेरिया, एलिफेंटेसिस जो हो जाता है ये सब हो जाता है। पिट्यूटरी जो होता है उसमें ग्रोथ हार्मोन, सोमाट्रोफिक, टीसीएच होता है, स्टिमुलेट, टेस्टेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दिस डैट, थायराइड, थायरॉक्सिन वगैरह, दिस डैट। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए एड्रेनल्स जो होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटेशियम लेवल को, और पैनक्रिया जो होता है इंसुलिन निकलता है, इससे क्या होता है कंट्रोल करेगा ब्लड शुगर लेवल को। ओवरी जो होता है उससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों निकलता है, एस्ट्रोजन मेन है, प्रिपेयर करता है इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस का। आर्यभट्ट जो था ना पहला सैटेलाइट था 1975 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद चलिए इकोनॉमी आता है, इसको भी देख के ख़त्म कर। तो अभी तक 40 मिनट हो गया, तो ऑलमोस्ट एक घंटा में ये पूरा बुक आपको समराइज कर दिया हूँ ऑलमोस्ट जिधर तिधर से करके। एक एग्रीन इकोनॉमी जो होता है, एग्रीकल्चर डोमेन मिक्सड इकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट होता है, ठीक है, प्राइमरी में आप जानते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब आ जाता है, सेकेंडरी में माइनिंग, मैनुफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, टर्टियरी में जो होता है ट्रांसपोर्ट वगैरह, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सर्विस, ये सब आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है जिसमें क्या हो जाता है, ठीक है भाई इंपॉर्टेंस है ही ना,
कॉफ़ी वगैरह अरबिका रोबोस्टा कॉफ़ी का ही है, ज़्यादा रोबोस्टा 68% है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था 25 के लिए आया था वो, और इस तरह से हो गया। फूड ग्रेन्स वगैरह आप देख सकते हैं, राइस वीट ये सब मेजर है, और कमर्शियल में आ जाता है कॉटन जूट ये सब, शुगर केन। प्लांटेशन में जो है टी कॉफ़ी कोकोनट ये सब आ जाता है, और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट ये सब आ जाता है। और ग्रीन रिवोल्यूशन जो था 1966 में आया था, हाईली वेराइटी के लिए था। शुगर केन पे देखिए आप, थोड़ा सा फेयर एंड रोबिनेटरी प्राइस में ये मिल जाता है, नवार्ड जो था ये दिस डेट। और यहाँ पे नॉर्मल ब्लॉग, और इंडिया में MS स्वामीनाथन था, क्वाइंट गया था विलियम गैट, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड रिवोल्यूशन जो आया तो एक्चुअली ये हाई बिल्ड के लिए, राइस वीट के लिए था, लेकिन सेकंड वाला जो था पल्स के लिए था एक्चुअली ना। यहाँ पे देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन जो है MS स्वामीनाथन, इंडिया का पहला मिल्क और दिस डेट, इतना ये सब नहीं पूछेगा। फादर ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लड जो होता है वो बेरकिंस कुरियन है, बहुत पूछता है, याद रखना है। इंडिया का डिश डैट डिश डैट, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इतना। और यहाँ नवाड़ 1982 वाला जो था शिवरामन कमेटी के थ्रू आया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखिए धुंधला ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। और ग्रीन रिवोल्यूशन में आपका क्या नहीं था, ठीक है ना। अरे यार, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या नहीं था भाई, तो मिलेट बार्ले रागी ये सब नहीं था। उसके बाद TDS वगैरह और ये वो, फूड शॉर्टेज जो होता है PDS वगैरह के वजह से आया था फूड शॉर्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 10th प्लान से मेगा फूड पार्क स्कीम लगा। और उसके बाद देखें यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिएगा, ये सब चले ठीक है, कोऑपरेटिव वाला शॉर्ट, यहाँ देखिए नवाड़, ये शिवरमन कमेटी के थ्रू खरीफ वगैरह इसमें होता है, राइस जवार सोयाबीन शुगर केन ये रबी वगैरह अक्टूबर जाया देते ना, वीट बारले हो जाता है रबी में। मार्जिनल के लिए क्या होता है, 1 हेक्टेयर से कम होगा, स्मॉल के लिए 1 से 4, लार्ज के लिए 4 से ज़्यादा होगा। प्लांट इकोनॉमी में ऑफ इंडिया क्या है, MSSAI अच्छा था, और 3rd 5-year प्लान से जॉन सैंडी और सुकमई ये लाया, 4th वाला गैडगिल लाया, 5th वाला DP धार, 6th वाला इस तरह से आया। और बाकी यहाँ पे पढ़ना भाई पढ़ लो आप, GDP विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है चीज़ें। और यहाँ पे देख लो ऐसे करते रहे, NNP GNP माइनस डिप्रिसिएशन कर दोगे ना तो NNP आ जाता है, कैपिटल स्टॉक जो बोलते हैं, प्रोड्यूसर मेटेड इनकम मेटेड इस तरह से निकाला जाता है। और इस तरह से ये चीज़ें NSSO CSO जो था ये देखो, BSE जो था 2011-12, और NSO 2005 में, और PC मैन में नेशनल इनकम कमेटी जो था 1949। बाबू इकोनॉमिक ये उसे सारा सिया इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह। यहाँ पे देखो गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओगे तभी तो देश बचाओ ए गुरु, ए गुरु। देखो सेकंड 5-year प्लान से, फर्स्ट और 3rd 5-year प्लान से ये सब लगा था, गैडगिल आया था इसमें, इंडो चाइना हो गया, और PC मानबुलेज था सेकंड वाला में, इंडस्ट्री के लिए था, सोशलिस्ट था, स्टील दुर्गापुर रावर किला भिलाई ये सब जो था ये सब हुआ था, हेराडोम वाला 1st year था ये एग्रीकल्चर ड्यूटी देश डाट ये सब हो गया आपका। और यहाँ तो आपका कंप्लीट होता है, यहाँ देखिए राजीव नीति आयोग जो था वाइस प्रेसिडेंट, अभी ये सब नहीं याद रखना है, चेंज होता रहता ना। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में डिसेंट्रलाइज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और एक्स ऑफिसर कौन है, PM है, और CEO PM चुनता है एक्चुअली। और ग्रोथ है 9th में से ग्रोथ विद सोशल जस्टिस के बाद था। चलिए यार इसमें हो गया बहुत, आई थिंक सो अब निकलता है इसमें। नीति आयोग का चेयरमैन ये है, इंस्टीट्यूशन देखिए यहाँ याद रखना, इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग होता है। नेशनल डेवलपमेंट वाला 1952 में एग्जीक्यूटिव बॉडी जो था नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, NDC प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन, ये आपको पॉलिटी एमलक्ष्मी कांत पढ़िएगा ना, वहाँ वहाँ भी सब मिल जाएगा आप सब, ठीक है। CM इतना फाइनल अप्रूव किया 2-5 year प्लान को, यही NDC वाला। और नेहरू मैनमेज जो था यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री का बात हुआ, PSU वगैरह आया, ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस सेम था इसका, सेकंड 5-year प्लान से आता है ये। और गांधीयन मॉडल ऐसे ना अग्रवाल हो गया, LPG मॉडल 1991 में आता है, प्राइवेट सेक्टर और दिस डेट मनमोहन मुझसे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पूरा वाला 2004 में APJ अब्दुल कलाम के हिसाब से ये प्रोवाइड करना था अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया में भी, ठीक है, विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफर के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो था आपका यहाँ पे 8 घंटा ये वो दिस डाइट भगवती कमेटी के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट वाला आया था, ठीक है, भगवती कमेटी याद रखना, कमेटी वगैरह बहुत पूछता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पोररी होता है, ओपन वाला नो वर्क होता है भाई, और प्लानिंग कमीशन जो था वो डेटा कलेक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो लखनवा कमेटी था पहले, उससे पहले NSO था ना 2005 में भारत निर्माण जो योजना आया उसमें क्या क्या चीज़ आया था देखिए, तो उसमें इरीगेशन रोड हाउसिंग ये सब चीज़ें थी, और रोजगार मनरेगा 2005 में, और PRI मुखिया ग्राम सेवा 1 ईयर में 100 दिन तक रोजगार देना नेसेसरी हो गया, 1/3 देना होगा मतलब पैसा, 2009 में रीनेम हुआ था इसका मनरेगा बना था, तो ठीक है ना, इस तरह से हुआ चीज़ें।
फिर यहाँ देखिए बॉम्बे प्लान 1945 में आया, ट्रीसम 1979 में आया, फिर जवाहर रोजगार 1979 में 75 ईयर प्लान से आया है जवाहर वाला, और NRP NRLG दोनों को मिला के ये आया था, इंदिरा आवास वाला आया इसी से, और यहाँ पे IRDP 1980 में आया। इस तरह से ये पूरा चीज़ें थी। ट्रीसम डिजिटल राजीव गांधी विद्युत वाला आया, स्वर्ण जयंती जो ये यहाँ पर आया, IRDP इतना डिजिटल, और मिड डे मील जो था 1995 812 ग्राम 300 किलो कैलोरी वाला डिजिटल। उसके बाद देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो है वो राशन कार्ड BPL वगैरह और जन औषधि हेल्थ कम दाम में मतलब दवा दे देना, और गरीब कल्याण रोजगार योजना जो था, फिर स्वामित्व योजना 2020 में आया था, रूरल डेवलपमेंट के लिए था, निपुण भारत योजना ये एजुकेशन के लिए था 2021 में आया था, डेट याद रखना ठीक है, वो पूछ देता है कब आया था, जुलाई 2021 में आया था, और फर्स्ट जूट वाला जो था ओडिशा और वेस्ट बंगाल में, और फर्स्ट स्टील जो है जमशेदपुर 1907 में। इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी यहाँ देखिए UNDP जो था ये महाबुल पाकिस्तान का था, अमरतीय सिंह तो मिलनी इन्हीं को जाता है, महाबुल हक को UNDP HDR डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स महबूल हक ठीक है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है यार। कॉफ़ी जो था प्रोड्यूस ब्राज़ील इंडिया 7th नंबर पे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चेंज होता रहता है वक्त के हिसाब से। LPG इंडिया जो होता है, यहाँ पे देखिए इंडिया का जो मैनुफैक्चर है मोटरसाइकिल से कनेक्ट है, ये सब चेंज होता रहता है। बिहार में ये दिस डेट फर्स्ट फर्टिलाइजर जो था, इंडस्ट्री जो था रानीपेट चेन्नई। अच्छा ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया, ये सारा सॉर्टेड है, यहाँ पे भी सारा सॉर्टेड है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंटरेस्ट हो गया, और एक्सपेंडिचर और गिफ्ट बेल्ट ये सब डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट में जैसे सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी, GST, YT सब इनडायरेक्ट हो जाता है। शुगर प्रोड्यूसर जो होता है ब्राज़ील से, इंडिया गोल्ड डायमंड ये सब जितना भी यही सब हो गया। देखिए बियर बुल में क्या होता है, बियर मतलब होता है सेल, शेयर मैंने सेल करना शेयर को, बुल मतलब बाय करना शेयर को, बियर मतलब हमको सेल करना होता है समझे, और इस तरह से हो गया। और कैश CRR में क्या होता है, पोर्शन जो होता है बैंकर का टोटल कैश रिजर्व विच दे आर मतलब ये करना पड़ता है, और CPI जो होता है मेजरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली होता है, और ऑफ लिविंग एंड इट कवर लार्ज नंबर ऑफ द कमर्ट और दैन द होलसेल प्राइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द इन डिवेल्यूशन जो हुआ है रिड्यूसिंग कर देता ना ऑफिशियल रेट ऑफ द करेंसी को, 3 बार हुआ 49, 66, 91 में। और GDP वगैरह तो वही है, GDP एग्रीगेट जो होता है ऑफ द टोटल फ्लो ऑफ द गुड एंड द सर्विस प्रोड्यूस जो हो रहा है आपका इकोनॉमी ने ईयर में, GDP जो होता है वही होता है। यहाँ पे देखिए GNP जो होता है एक्चुअली क्या होता है ना कि GDP प्लस अब्रॉड माइनस फॉरेन इन इंडिया। लिक्विडिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द मार्केट इन पर्टिकुलर सिक्योरिटी टू ऑब्जर्व द रीजनेबल अमाउंट ऑफ द बाइंग या सेलिंग रीजनेबल प्राइस चार्ज पे। और NDP जो होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल कैनबल आउटपुट गुड एंड सर्विस। चलिए आपको ख़त्म हो गया यार, ऑलमोस्ट यही था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था 1949 में, फीरा वाला 1973 में, फीमा 2000 में, कमीशन कमेटी वगैरह है जो देखना है तो देख लीजिए, देखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अर्जुन सेन का गुप्ता कमेटी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लिए, रंगारंजन वाला जो था डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द PSU एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मल्होत्रा वाला इंश्योरेंस के लिए था, मधुकर जो था गोल्ड का एक्सचेंज उनके के लिए था, नरेश ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा हमको, राकेश वाला SP वाला विजय लेकर देखे इसके लिए था, लकड़ा वाला देख लीजिए एस्टिमेटेड पॉवर्टी के लिए था ठीक है, और क्या है इसमें बाकी तो मेरे को नहीं दिखा कुछ इंपॉर्टेंट ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। इसमें क्या है देख लीजिए, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी JM केनियंस को बोलते हैं, और यहाँ पे है फादर ऑफ मैक्रो छोटा वाला एडम स्मिथ को बोलते हैं, और डिवेल्यूशन जो होता है 3 बार होता है, करेंसी का वैल्यू उसमें कम जाता है, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है समझे, एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है। और RBI का टॉप बैंक जो होता है 1 जुलाई से 31 मतलब RBI का जो होता है ना वो 1 जुलाई से होता है ना 31 जून तक फाइनेंशियल ईयर वाला, RBI टू बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं इसी को। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर मनी जो होता है मैंने प्रिंट को नोट बांटो लोग में तो स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमी, इस तरह का होता है, हार्ड करेंसी में स्टेबल होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए, और कमर्शियल या द कैश क्रॉप जो होता है वेल सीड जूट कॉटन टोबैको शुगर केन ये सब होता है, और इस तरह का ये चीज़ें हो गया। उसके बाद मार्जिनल लेस देन 1 होगा, और ये मीडियम जो होता है 4 से 10 और लार्ज 10 से ज़्यादा, स्मॉल जो होता है 2 से 4 के बीच में होता है। और MSP जो होता है उसमें क्या होता है CSCP लाता है एक्चुअली MSP समझे, MSP आता है 50% ज़्यादा, ये सब छोड़िए। मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए PMSC एक्ट आया था, और NABARD जो था 12 जुलाई 1982 को बनता है सीवरमन सिंह कमेटी से, और पॉवर्टी लाइन मेजर करता है डोमेस्टिक कंजप्शन NSSO करता है एक्चुअली ठीक है। और लकड़वाड़ा 1989 में आया ठीक है, तेंदुलकर कमेटी सभी सब पॉवर्टी के लिए, सिंह सी रंगराजन भी
लेकिन सबसे पहले लखनवार आया, तब तेंदुलकर आया, तब रंगारंजन आया। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट होता है। ये याद रखना है, डिवोल्यूशन में होगा ना जी एक्सपोर्ट चीपर, क्यों चीपर होगा, डिवोल्यूशन हो गया ना, वैल्यू कम गया, तब उसी वैल्यू पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो चीज़ हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक रुपया का पहले वहाँ पे एक डॉलर का यहाँ 60 रुपया था, अब क्या हो गया कि एक डॉलर का 82 रुपया था, अब ज़्यादा सामान यहाँ से खरीद पाइएगा ना, तो वही होता है डिवोल्यूशन होने पर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट चीपर हो जाता, मतलब बढ़ जाता मतलब वही चीपर हो गया। RBI का यही 1 जुलाई से 31 जून होता है, याद रखना आपको, ठीक है। अभी इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसमें ऑलमोस्ट जो भी था 1 घंटे के अंदर समराइज कर दिया हूँ, और रफली अगर देखना है तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, समझे। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो में सिर्फ इतना था कि कम समय में ज़्यादा देना, 1 घंटा में तो आप 1 चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, आई थिंक सो, मे बी टाइम लगता ना पढ़ने में, ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत पढ़ लोगे, पढ़ने में टाइम लगता, समझना लगता, ब्रेन से फोकस होना पड़ता है। अगर आप नया पढ़ने वाले हो तो, अगर 1-2 बार 4 बार पढ़े हो तो यार क्या ही है फिर। चलो, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।